विधानसभा क्षेत्र अमरवाड़ा में नामांकन की अंतिम तिथि के दिन सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश प्रताप साह ने विशाल जनसैलाब के साथ नामांकन रैली निकाली, शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें लगभग 5000 से ऊपर सभी क्षेत्रों से आए आमजन और कार्यकर्ता मौजूद थे। सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह ने नामांकन रैली निकाली। रैली अमरवाड़ा के स्टेडियम ग्राउंड से प्रारंभ हुई, जहां पर नगर के सिद्धिपीठ जगत देव मातेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद ढोल बाजे, नगाड़े और गुनरशाही के धुन पर कार्यकर्ता थिरकते हुए रैली निकाली गई। रैली मुख्य बस स्टैंड से होते हुए फवारा चौक, गंज बाजार और फिर तहसील रोड के सामने तक पहुंची। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी राजा कमलेश प्रताप शाह ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं की जीत है, कार्यकर्ता मेरे लिए सर्वोपरि है और आगामी समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, जिसकी गवाह आज समर्थन में पहुंची इतनी बड़ी संख्या में जनता का जनार्दन है। आगे श्री शाह ने कहा कि कमलनाथ जी के भरपूर सहयोग से पूरे जिले का विकास हुआ है, जिससे पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा देश जानता है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर और भी दुगनी गति से मध्य प्रदेश सहित हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इसके साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। रैली के उपरांत राजा कमलेश शाह ने रिटर्निंग ऑफिसर हेमकरण दुर्वे को नामांकन पत्र सौंपा। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता अशोक तिवारी, चंपालाल कुर्चे, दीपक नेमा, विनोद चौरसिया सहित वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। विदित हो कि कांग्रेस प्रत्याशी राजा कमलेश प्रताप शाह 2013 से निरंतर विधायक रहे और दोहरे सर्वे के बाद 2023 में फिर से इन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और इनके जन समर्थन से यह सत्य भी साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। होने वाले चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की सरकार सम्मानी कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। आज जो आप अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो जनसैलाब और जनता जनार्दन का जो समर्थन आज हमें मिल रहा है, ये उसी का नतीजा है कि सम्मानी कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार और सम्मानी कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है हमारी मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन। प्रदेश की सरकार को कैसा देखते हो आप? उन 5 सालों में सरकार रही उनकी 18 सालों, आप 2 बार के विधायक हैं और आपने अब जनता के बीच में किस मुद्दों को लेके जाएंगे जो आपने विकास किया कमलनाथ जी की जो योजनाएं हैं और इस क्षेत्र में जितना भी काम हुआ है वो कमलनाथ जी के सहयोग और आशीर्वाद से ही हुआ है विकास कार्य, और मैं उन्हीं के ही नाम पे और उनकी योजनाओं के नाम पे ही वोट मांगूंगा। अमरवाड़ा से रिपब्लिक इंडिया के लिए अमरगिरी की रिपोर्ट।